जब आप मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे होते हैं और पुलिस वाले आपको, ट्रैफिक पुलिस वाले अगर आपको रोक करके चाबी बंद करके चाबी निकाल लेते हैं आपके बाइक से, तो क्या यह सही है या गलत है, आज जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट 1932 में क्या बताया गया है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर कोई ऐसा पुलिस वाला आपके साथ करता है तो क्या आपको, आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप कहीं मोटरसाइकिल से जाते हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर पुलिस ट्रैफिक वहां पर खड़ी है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस है और आप उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो अगर पुलिस वाले आपको रोक रहे हैं तो भागने की गलती ना करें। अगर आप भागने की कोशिश करते हैं तो ऐसी दशा में क्या होगा कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो जब्त कर लिया जाएगा। तो भागने की कोशिश मत करिए, ठीक है, आप रुक जाइए अगर रुकना है तो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आप वहां पे बिना पहुंचे भाग गए तो ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त हो सकते हैं, आप पे कार्रवाई हो सकती है, फाइन भी तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन क्या अगर पुलिस वाले आपका चाबी कट करके निकाल लिए हैं तो ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मोटर व्हीकल एक्ट 1932 में ये कहीं नहीं दिया गया है और इसके तहत ये गलत माना जाएगा अगर वो लोग निकालते हैं तो। अगर वो लोग निकाल लिए हैं चाबी, तो आप क्या करिए, उनका जो नेम लिखा होता है, नेम प्लेट पे क्या नाम है पढ़ लीजिए, याद रखिए। और आप क्या करिए, अपने जिले के एसपी या डीएसपी को कंप्लेन करिए उसके नाम से कि आपका जबरन चाबी बंद करके चाबी को निकाल लिया गया और आपकी बाइक को रोक दिया गया, जबकि यह सही तरीका नहीं है। आपको क्या करना होता है ऐसी दशा में, आप धैर्य बनाए रखें। अगर चालान वह काट रहा है पुलिस वाला, जो ट्रैफिक पुलिस है, अगर आपके चालान काट रही है तो आपको यह ध्यान देखने की आवश्यकता है कि क्या उसके पास वैलेट पेपर है जिसपे वो पर्ची बनाकर देगा आपको, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे वो पर्ची निकालता है जिसपे चालान कटती है। दोस्तों, ये तो रहा आपको ध्यान रखने की बात कि पुलिस वाले आपको जबरदस्ती चाबी काट के नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा कि जब भी वो चालान काट रहे हैं तो उस समय उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या नहीं है, और बैलेट पेपर वाला जो मशीन, वो पेपर होता है, वो है कि नहीं है। और दोस्तों, जब चालान कट ही चुका है तो ऐसी दशा में क्या करें, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप अपने ही मोबाइल से जो चालान का होता है कि कितना चालान हुआ है, आप जान सकते हैं। ई चालान, ई व्हीकल, बहुत सारे ऐप हैं जिसमें आप डाउनलोड करके देख सकते हैं आपका कितने रुपए का चालान हुआ है, वहां पर जाकर पे कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, आपका केस क्या होता है, जो आपकी पेपर है या डीएल है उस पर चालान होता है, अगर वो जब्त हो जाएगा तो फिर वो कोर्ट में चला जाएगा, वो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा और फिर वहां फाइन भरना पड़ेगा, फिर को किसी वकील को भी पकड़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि अगर आपका चालान कटा है तो आप लोग क्या करें, किसी किसी भी मोबाइल में ऐप डाउनलोड करें और वहां पे अपना ई चालान भर दें। दोस्तों, ये रहा कुछ ऐसी जानकारी जो आपके हर रोज काम आने वाला यह जानकारी है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मुझे कमेंट करके जान सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।